पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। अभी एक डेढ़ दिन पहले 104 डिग्री फीवर था, माथे को मुझे ठंडा कर करके मुझे फीवर कम कराना पड़ा, ऐसी नौबत आ गई थी। बट अभी तो मेडिसिन में चल रहा हूँ, लेकिन होता ना कि जो आप पैशनेट जिस चीज़ के मेकिंग वीडियोस, वो मैं स्टॉप नहीं कर पाया। अभी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, तो अगर आप एक फ्लैगशिप या फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन कैरी करते हैं तो वो आपकी ओवरऑल जर्नी के एक्सपीरियंस को बहुत ही अमेजिंग बना सकता है। बिकॉज आप सुपर फोटोज़ ले सकते हैं, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सब कुछ कूल हो ना, तो आपका वो टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। रिसेंटली मैंने आपको सोनी एक्सपीरिया मार्क 3 दिखाया था, लेकिन एक फ़ोन मैं और कैरी कर रहा था, जस्ट मैंने पिक कर लिया बिकॉज ये छोटा सा लाइट वेट सा कॉम्पैक्ट सा फ़ोन था, तो मुझे लगा कि हाँ एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा भी। बट कुछ कमेंट्स मेरे पास आए कि इस फ़ोन में भी रिसेंटली काफ़ी ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये फ़ोन अभी कुछ दिन पहले 32,000 का मिल रहा था, एकदम फ्रेश न्यू। आई मीन जब ये लॉन्च हुआ था तो ये लॉन्च हुआ था 70,000 के आसपास में। मैं तो सेल में नहीं लिया, मैंने ये फ़ोन बाई किया savevalue.com से, बिकॉज ऐसे यू नो गाइस, मैं ऐसे ही रिफर्बिश साइट से जहाँ अच्छी डील मिलती है मैं फ़ोन कलेक्ट करता रहता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको मैं ऐसे अच्छे अच्छे ऑसम कंटेंट्स दिखा सकूँ और आपको ये चीज़ें अच्छी लग सकें। ये है सैमसंग का गैलेक्सी S22, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है। तीन होते हैं आप जानते हो, 22 मतलब नॉर्मल, प्लस और अल्ट्रा। तो ये बेस वाला, लेकिन इसमें CPU, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। क्या ये फ़ोन आज की डेट में वर्थ है कि नहीं यूज़ करने लायक? तो मैंने इस फ़ोन को 15 डेज बहुत हैवीली यूज़ किया है। जितना कॉम्पैक्ट हैंडी फ़ोन होगा उतना एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। इस फ़ोन की बात करें, देखो कमाल क्या है कि बहुत ही छोटे डिज़ाइन का फ़ोन है। 167 ग्राम इसका वेट है। सिंगल हैंड आप इस फ़ोन को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। देखो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस यहाँ पे दिया गया है, टूरी दिया गया है, प्लस है, मेटल का फ्रेम है, उस पर ऑफकोर्स पेंट जॉब है, कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पे मेटल का मिलेगा। स्पेशली फॉर दी आउटडोर्स एंड दी ट्रैवलर्स के लिए एक ब्राइट डिस्प्ले का फ़ोन होना बहुत ही मस्त होता है, बिकॉज ऑलवेज चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन होती है। इस फोन में देखो बेस्ट पार्ट क्या है गाइस, इसका डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। स्पेक्स की बात करें, देखो आप पहले बेजल्स देख लो, इस फोन में आपको बेजल्स बहुत ही कम मिलेंगे, लाइक एकदम ना जो आजकल का भी 2 साल बाद का भी ट्रेंड है उसी ट्रेंड पे यहाँ पे बेजल दिए गए हैं, बहुत ही मिनिमल बेजल यहाँ पे दिए गए हैं। ऑफकोर्स ये फुल एच डी प्लस ही होगा, HDR10+ यहाँ पे मिलता है, जो पीक ब्राइटनेस है वो अराउंड 1300 निट्स की है, ये भी सही बात है। लेकिन उससे अच्छी बात क्या गाइस, यहाँ पे आपको ना जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है ये एडाप्टिव है, यानी कि LTPO टेक्नोलॉजी पे है। 30,000 के प्राइस के जो भी मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं, देखो उसमें सबसे बिग प्रॉब्लम गाइस क्या होती है ना, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन की। या तो आपको सेटअप अच्छा नहीं मिलता है, जनरली जस्ट प्राइमरी कैमरा ही अच्छा दिया जाता है, बाकी सारे जस्ट फॉर द नेम सेक दिए जाते हैं। अगर सेंसर दिए भी जाते हैं, जैसे कुछ फोन्स लाइक मोटोरोला के फोन्स में होता है, सेटअप तो आपने दे दिया बट उसको वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, अल्ट्रा वाइड में कलर सही नहीं आते हैं, जूमिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती नहीं, ऑप्टिकल लेंस जनरली मिलते नहीं हैं। वो सारी प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हैं अगर आप 1-2 साल पुराना फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन बाई करते हैं, जैसे कि ये फ़ोन। रैंडम सैंपल्स में दिखा रहा हूँ गाइस, जो मैं ऑलवेज लेता हूँ, मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं करता, जो मुझे दिखता है मैं शॉट्स ले लेता हूँ। तो आप फोटोज़ देख रहे हैं, फोटोज़ बहुत ही विविड हैं, स्लाइटली सैचुरेटेड हैं, जो आजकल चलते हैं, यानी कि बहुत ही आपको बढ़िया कलर्स दिखाई पड़ने वाले हैं। लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो डिटेल्स बहुत ही सही आते हैं, एक्सपोजर कंट्रोल भी बहुत ही प्रॉपर है, HDR प्रोसेसिंग भी इसकी बहुत ही सही है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एकदम फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप कलर्स वलर्स की बात कर लेते हैं। लो लाइट में भी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस एकदम सुपर है, बिकॉज सेंसर अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, सॉफ्टवेयर सही है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। पोर्ट्रेट की बात कर ले, देखो यहाँ पे गया कि सेंसर है ना थोड़ा बड़ा दिया गया है, तो उससे डिटेल बहुत ही सही आती है। जो बैकग्राउंड में ब्लर होता है वो एकदम ग्रेजुअल ब्लर होता है। अब चलिए सेकेंडरी लेंस की बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड की, तो इसकी क्वालिटी ना बहुत ही सही आएगी, डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होगा और कलर मोस्टली सिमिलर आते हैं प्राइमरी कैमरे फोन के। जनरली क्या होता है अल्ट्रा वाइड के कलर्स एकदम अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थर्ड लेंस की बात कर लेते हैं, ये है यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस दिया गया है 12 MP का। आप अप टू 3 times यहाँ पे ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3x क्वालिटी अच्छी है, आप अगर आप 5 even 10 तक भी जाते हैं ना तो भी फोटोज़ की डिटेल बहुत ही अच्छी है, और मैक्स आप 30 तक जा सकते हैं, उसमें भी आपको क्वालिटी बहुत ही सही मिलने वाली है। वीडियोस की बात करें तो गाइस, ये फ़ोन आपको 8K तक का सपोर्ट देता है,
आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी के 8K वीडियोस बना सकते हैं। अभी आपको मैंने Xperia 1 Mark 3 का जब रिव्यू दिखाया था तो कुछ B-rolls मैंने S22 से ही शॉट किए थे, बिकॉज उस वक्त मैं अपने ये बड़े बड़े ना ये अल्ट्रा वाले फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था, वो मैंने ब्रीफ केस में लॉक करके रख दिया था, बिकॉज मैं कॉम्पैक्ट फ़ोन कैरी का एक्सपीरियंस ले रहा था। तो आप बहुत ही मज़ेदार क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑफकोर्स 4K 60 तो मिलेगा ही यहाँ पे, आप नेचुरल शॉट देख सकते हो, जो अपना देसी वाइब होता है ना गाय भैंस वाले, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी अपने सींगे दिखाई पड़ने गाय की ना, तो ये सब इसी फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया था। बहुत ही ऑसम वीडियोस बना सकते हैं आप इस फ़ोन से। इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 FPS के वीडियो बना सकते हो, क्वालिटी कैसी आप देख सकते हो गाइस। अब 4K है, 60 FPS है तो थोड़ा आप मोशन करोगे तो भी आप उसको थोड़ा सा स्लो इफेक्ट लगा सकते हो, पिक्सल्स ज़्यादा हैं, क्वालिटी ज़्यादा है। अब ये ट्रू 12MP होता है, ऐसा नहीं कि 12MP को आप स्केल करके आपको 4K दिया गया हो, एक्चुअल क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा फेस डल है बिकॉज अभी मैं एंटीबायोटिक्स पे चल रहा हूँ, फीवर थोड़ा ज़्यादा है, बट आप अच्छी क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों देखा, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं मेरे को छुपा रहा था न्यूट्रल पॉलिटिकल, बट स्टिल आप फ्रंट कैमरे से अच्छी वीडियोज़ बना सकते हो। इवन दो ये 2 साल पुराना फ़ोन है लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी का इस बहुत ही अच्छी है, वोकल्स बेस ट्रिबल सब कुछ एकदम बैलेंस्ड आ रहा है, लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ सस्ता फ़ोन है। महंगा फ़ोन था तो महंगे वाले आपको एक्सपीरियंस देगा ना, इस प्राइस का कोई फ़ोन लेंगे देखो उसमें ड्रॉबैक क्या होता है, देखो ड्यूरेबल तो सब देते हैं लेकिन जो आउटपुट होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, आधा यहाँ से आता है और बाकी ऊपर कम होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम प्रॉपर ड्यूरेबल सिमेट्रिकल था, बहुत ही सही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला। कुछ और एडिशनल फीचर्स में ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको NFC भी मिलेगा, ये फ़ोन आपका ऑफिशियली IP68 है, तमाम तरह की चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं। ये फ़ोन आपका सैमसंग का One UI पे चलता है, Android 12 से ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, Android 14 ऑलरेडी इस फ़ोन को मिल चुका है और ये फ़ोन Android 16 तक जाएगा, प्लस एडिशनल 1 ईयर का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो अगर आज भी आप इस फ़ोन को कंसीडर करते हैं तो ये फ़ोन आपको 2 साल अच्छा अपडेट देने वाला है, कोई भी मेमोरी के इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ काफ़ी सही काम करती है। देखो अभी तक मैंने आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई, अब मैं आपको इस फ़ोन के कुछ इश्यूज़ बताता हूँ जो कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं, बिकॉज एज यू नो ये डिपेंड करता है इस फ़ोन के यूसेज पे। फॉर दी स्पेक्स यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलता है, UFS 3.1 का यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिलता है, 8 and 12 GB रैम मिलता है। मैं नॉन गेमर्स हूँ तो मेरे यूसेज में ये फ़ोन ओके लगा, मुझे बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं लगी, जैसे मैं कैमरा यूज़ करता हूँ तो फ़ोन हाथ थोड़ा हीट हो जाता है, जैसे कि मैं 8K वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन स्लाइटली हीट होने लगता है, बट हाँ कूल भी जल्दी होता है बिकॉज ग्लास है मेटल है तो वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो अगर आप कोई एक सर्टेन एक्टिविटी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए करने लगते हैं तो हाँ फ़ोन में थोड़ी सी हीटिंग आ जाती है, बिकॉज 8 Gen 1 आप जानते हो ये प्रॉब्लम थी, 888 के फाउंडेशन में था, तो इसमें ये नोन इशू है। गेमिंग करते हैं तो हाँ इसमें आपको थोड़ी सी हीटिंग इशू मिल जाती है, चूँकि फ़ोन छोटा है कॉम्पैक्ट है तो इसलिए हीट और ज़्यादा फील भी होता है, थ्रॉटलिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आप गेमिंग के नज़रिए से इस फ़ोन को देख रहे हैं तो अगर आप कैजुअल गेम करते हैं 10-15 मिनट करते हैं तब तो देखो ये चल जाएगा, हैंडल कर लेगा, उतनी मोटी हीट 40-42 डिग्री आप झेल ले जाओगे, लेकिन आप ज़्यादा लंबे के लिए एक्सपेक्ट करो ना तो ये फ़ोन आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप गेमिंग के लिए इस फोन को कंसिडर करें। उसके लिए आप S23 पे जा सकते हैं जिसमें आपको 8 Gen 2 मिलता है, वो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि वन ऑफ दी बेस्ट फ्लैगशिप है जो आप 2024 में बाई कर सकते हैं। बैटरी इसमें थोड़ी कम है गाइस, 3700 mAh की बैटरी, बिकॉज सैमसंग थोड़ा सा छोटा फ़ोन बनाना चाह रही थी, मुझे कभी कभी सेकेंड टाइम इसको चार्ज करना पड़ता था, डिपेंड्स ऑन द यूसेज, अगर मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा यूज़ कर लिया तो थोड़ा हाँ इसमें शाम तक आते थे बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो उस नज़रिए से ये फ़ोन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। बाकी स्टैंड बाय में ये फ़ोन 4-5 दिन बड़े आसानी से चला था, एक बार ऐसा हुआ कि मैं समहाउ जब एक्सपीरिया पे स्विच कर गया था तो मैंने इसको 4-5 दिन यूज़ नहीं किया था, मुझे याद नहीं था कि फ़ोन मैंने ऑन किया था, जब मैंने निकाला तो 5 दिन गुजर गए थे लेकिन फोन ने अभी भी 20-25% बैटरी बची हुई थी। ऑन दी बोनस में आपको यहाँ पे यस वायरलेस चार्जिंग मिलती है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो ये दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आपके लिए ये चीज़ें डील ब्रेकिंग नहीं है देन तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो
देखो ये फ़ोन उनके लिए आज के लिए रिकमेंडेड ज़्यादा है प्रोवाइडेड प्रोस एंड कॉन्स सब देखने के बाद। अगर आप एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं कम प्राइस में, रादर ना आप एक मिड रेंज फ़ोन ले लें जो 25-30 हज़ार का मिलता है, उससे बेटर आप कैमरे के लिए फ़ोन ले सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेशली ऑफिस गोवर्स हैं, आप फ़ोन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करते हैं, आप कैजुअल टास्क के लिए फ़ोन लेते हैं लाइक व्हाट्सएपिंग, सोशल मीडिया, कैजुअल कॉलिंग, या आप ट्रैवल करते हैं, आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, आप फोटोज़ ज़्यादा स्नैप करते हैं, क्लीन सॉफ्टवेयर चाहते हैं, लॉन्ग अपडेट चाहते हैं, देन ये फ़ोन आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर का भी S23 कंसीडर कर सकते हैं। बाकी S24 सीरीज तो सुपर एक्सपेंसिव है, अभी तो आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो मेरे तो गाइस ये व्यू थे S22 को लेके। आपको क्या लगता है, आपके पास ये फ़ोन है, अपना भी एक फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। एंड या एट द लास्ट जस्ट आई विल से प्रे फॉर मी, अच्छा काम किया है तो अच्छा रिजल्ट्स मिलना भी चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।